तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की न्यू नेक्स्ट। दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों को बताने हैं दोस्तों, अगर आपके पास रेडमी नोट 13 प्रो प्लस 5G मोबाइल दोस्तों, आप उसमें ऐप हाइड करना चाहते हैं दोस्तों, आप ऐप हाइड कैसे करेंगे। आपको ऐप हाइड करने के लिए क्या करना है, आप यहाँ पर सिंपली अपने मोबाइल की सेटिंग्स को ओपन कर लें। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का शो हो जाएगा। शो होने के बाद अब आपको थोड़ा सा नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च बॉक्स में सर्च कर लेना दोस्तों, हिडन एप्स दोस्तों। आपको यहाँ पर हिडन एप्स सर्च करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का शो हो जाएगा। आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिला हिडन एप्स, आपको सिंपली हिडन एप्स वाले ऑप्शन पर टाइप करना। टाइप करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का शो हो जाएगा। शो होने के बाद आप दोस्तों आप जो भी ऐप पे ऐप हाइड करना था दोस्तों, आप उसके सामने टिक इनेबल करें। टिक इनेबल करने के बाद दोस्तों अब आपको साइड में दोस्तों सेटिंग्स आइकन होगा, सिंपली सेटिंग्स वाले आइकन पर टाइप कर देना। टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऐप लॉक, आपको सिंपली ऐप लॉक वाले ऑप्शन पर टाइप कर देना। टाइप करने के बाद आपके सामने पर कुछ इस तरह का शो हो जाएगा। शो होने के बाद आपको यहाँ पर एक पैटर्न दोस्तों डालें जो भी आपको चल गए। डालने के बाद आपको फिर से वही पैटर्न डाल देना। डालने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करने के बाद अब दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का शो हो जाएगा। शो होने के बाद आपको यहाँ पर नॉट नाउ कर देना। नॉट नाउ करने के बाद दोस्तों अब आपके में यहाँ पर कुछ सेकंड चलें। सेकंड चलने के बाद आपको फिर से नॉट नाउ कर देना है। यहाँ पर नॉट नाउ करने के बाद दोस्तों अब बैक कहते हैं। बैक जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखते हैं दोस्तों हमारे एफ आई हुए हैं। दोस्तों एफ आई हुए देखेंगे, इसे देखने के लिए क्या करना है, आपको दो उंगली ने पिक आउट कर देना। पिक आउट करने के बाद दोस्तों आपके जो आपने वहाँ पे पैटर्न डाला था आपको पैटर्न डाल देना। पैटर्न डालने के बाद आपके फोन में हाइड हुए ऐप शो हो जाए। दोस्तों इस तरह से आप मोबाइल में एफ हाइड कर पाएंगे। वीडियो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। बैठे के मिलेगी वीडियो में।